पवन मुक्त आसन करवा रहा हूँ अभी। ये जबरदस्त आसन है, एक एक मिनट एक एक आसन करना, कब्ज का परमानेंट इलाज। अब देखिए जरा, अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण आसन बता रहा हूँ, पवन मुक्त आसन, फिर उसके बाद उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादांगुष्ठन नासास्पर्शासन। एलोपैथी में जब लीवर कमजोर हो जाए, आते कमजोर पड़ जाए, इसको अंग्रेजी में नाम बड़े ऊंचे ऊंचे दे दिया, आदमी घबरा जाता है, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, आंतों पर, पेनक्रियाज पर, लीवर पर सूजन आ जाता है और धीरे धीरे फिर उनकी स्वाभाविक क्रिया बाधित हो जाती है। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आंतें कमजोर हो जाए, लीवर कमजोर हो जाए, फेफड़ा कमजोर हो जाए, उसकी जो है उसका श्वसन तंत्र कमजोर हो जाए, हृदय तंत्र कमजोर पड़ जाए, इसका मापन भी होता है, पीएफटी टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है कि जो है लंग की कैपेसिटी कितनी है, इजेक्शन टेस्ट, फ्रैक्शन टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है हार्ट की कैपेसिटी कितनी। उत्तान पादासन ऐसे एक मिनट तक करना है, तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर पड़ जाए, पीएफटी लेवल आपका वीक हो जाए, जब आपके एसजीओटी, एसजीपीटी, ब्लूरिबिन आदि ये कमजोर पड़ जाए, क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, किडनी कमजोर पड़ जाए, कमजोर किडनी, कमजोर लीवर, कमजोर आंतें, कमजोर पेनक्रियाज, उसमें पेनक्रियाटाइटिस हो जाए आंतों में और पेनक्रियाज में, लीवर में जो सूजन है इसको ईसिस करके बोलते हैं, सोराइसिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, और पेनक्रियाज के सेल कमजोर हो जाते हैं तो उसको फिर डायबिटीज। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, योग ही एकमात्र इलाज है। एक एक मिनट ऐसे उठा के रखना उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी, एक एक मिनट करके, दो दो मिनट करके, ऐसे पांच मिनट तक कर सकते हैं, पहले ही दिन से पेट सेट, पहले ही दिन से, इतना जबरदस्त लाभ होता है। फिर देखो ऐसे दोनों तरफ से उठाएंगे, ये ऐसे नौकासन, एक मिनट तक ऐसे उठा के रखना, और इसके लिए जबरदस्त है अनार, अनार भी इधर सबको पता है, अनार जो है, और बेल, यहाँ ऊपर भी देख रहा हूँ तो देखो ऊपर भी बेल लगी हुई है मेरे सिर के ऊपर ही तो देखो ये नौकासन करते करते अब जो है मीनाक्षी होती तो अभी कहती सब्जी मेरे लिए तोड़ करके पार्सल करवा दो तो ये नौकासन बहुत जबरदस्त है, एक मिनट तक ऐसे करना है तो इससे पहले ही दिन से पेट सेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आना। देखिए नौकासन करने से जीवन की नैया तो पार लगेगी स्वामी जी, लेकिन दो सवाल हैं, एक मेरे और एक दर्शक के। मेरा सवाल यह है कि लीवर में जो सूजन है उसके लिए क्या करें, और दर्शक विशाल मेहता पूछ रहे हैं कि वो लगातार इंडिया टीवी को फॉलो करते हुए रोज योग कर रहे हैं, गैस की समस्या है वो ठीक होती है तो कब्ज हो जाती है, कब्ज ठीक हो जाती है तो चेस्ट के लोअर हिस्से में दर्द होने लगता है, ये क्यों हो रहा है, एक ठीक होता है दूसरा दूसरी बीमारी सामने आ जाती है। अब ये जो आसन बता रहे हैं ये आसन एक एक मिनट करके दो से तीन बार कर लेंगे तो दो से तीन मिनट हो जाएगा एक एक आसन। आज से ही उनकी सब एक साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन सब एक साथ दूर होंगी, इसमें से सब आसन सब न कर पाएंगे, जो जितना कर पाए। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, सेतु बंद आसन के बाद ये पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। और आज खान पान का भी तरीका बताएंगे, उसको हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त बोला है, महर्षि चरक ने चरक संहिता में इसका विशेष स्थान रखा है, बिना प्योषध ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीन अस्य भीष जानाम सतैरपि। हमारे यहाँ पर तो आयुर्वेद में एक सुपर हेल्थ साइंस है कि आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, आहार ही आपकी औषध हो जाता है, आपकी जीवन शैली आपकी सबसे बड़ी औषध है। ये सब आसन करके अंत में शवासन, और जो स्वस्थ और समर्थ है वे शीर्षासन मैंने सबसे पहले किया था, और ये सर्वांगासन और ये हरासन।
कुछ लोग पूछ रहे हैं स्वामी जी, जिनके कमर में दर्द रहता है उन्हें नौकासन करना चाहिए क्या? की जुताई हो जाती है हलासन में। देखो जिनको कमर में दर्द रहता है उनको कोई भी कठिन आसन नहीं करने चाहिए, उनको पीछे झुकने वाले आसन जो हम उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन आदि बताते हैं वो आसन पहले करने चाहिए। जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में बहुत अधिक दर्द हो, उनको सर्वांग आसन और हलासन आदि नहीं करने चाहिए। ये तो बताए मैंने आसन, और अब बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम होता है कपाल भाती, धीरे धीरे करें। और मैं कुछ बड़ी बातें बताना चाह रहा हूं, माने जो एलोपैथी में सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया की महाशक्तियां मिलकर के वो काम नहीं कर सकती। अमेरिका ही काम नहीं कर सकता, जर्मनी, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, और दुनिया में जो ताकतवर मुल्क बनते हैं जिनके पास आर्थिक साम्राज्य है बड़ा बड़ा, चाहे रसिया हो चाहे जापान हो, किसी के पास में, अब देखो कब्ज की कोई परमानेंट दवाई नहीं है। आयुर्वेद में हम भी देते हैं त्रिफला चूर्ण देते हैं, ये शुद्धि चूर्ण देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, दवाई कभी भी कब्ज के लिए परमानेंट इलाज नहीं हो सकती। कब्ज का परमानेंट इलाज है जो अभी आसन बताए और ये कपाल भाती प्राणायाम। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम 5 आसन बताते हैं और गर्म पानी पिलाते हैं, थोड़ा सेंधा नमक नींबू डाल करके, और ये 5 आसन में एक बार बता दे रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है, जरा आप देखिए शंख प्रक्षालन का, हमारे यहाँ षटकर्म करवाते हैं तो उसमें ताड़ासन, सुबह उठ के गर्म पानी पी ले और ये आसन कर ले, 5 मिनट के अंदर पेट साफ, प्रेशर बनेगा अपने आप। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज शंख प्रक्षालन, सुबह उठ करके पानी पिए, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक नींबू मिला सकते हैं, नहीं तो खाली गर्म पानी पी सकते हैं, और ये आसन करें, कब्ज का परमानेंट इलाज। लौकी का जूस पिए और उससे भी जबरदस्त है नाशपाती, अभी नाशपाती का सीजन है, मैं चाहता हूँ पूरे देश की कब्ज दूर हो जाएगी और किसानों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। यहाँ पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में नाशपाती मिलती है। अब ये नाशपाती, इसको लोग ये समझते हैं ये तो ऐसे ही गरीबों का फल है, पहले ऐसे लौकी को भी मानते थे लोग, ऐसे हमने बहुत चीजों की कद्र करनी सिखाई है। ये कटी चक्रासन, नाशपाती का जूस भी बताएंगे, अनार भी आज हम बताएंगे, और पूरी दुनिया में कोई कब्ज के साथ साथ आंतों पर, लीवर पर सूजन आप पूछ रहे थे, आंतों की सूजन को कोलाइटिस और लीवर की सूजन को फैटी लीवर, सोराइसिस, लीवर सिरोसिस उसको बोलते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, लीवर सिरोसिस और कोलाइटिस, इसके लिए भी 100% इलाज है। ये कटी चक्रासन के 2 अभ्यास हैं, ऐसे भी किया जाता है, हाथों में छाती जितना फासला हो रहा है तो गर्म पानी पी करके ये अभ्यास हम ऐसे बार बार करा देते हैं। फिर एक अभ्यास उल्टे लेट करके तिर्यक भुजंगासन, इसको कहते हैं, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, इससे पीठ का भी पूरा व्यायाम हो जाता है और पेट का भी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक अंतिम अभ्यास है 5वां, इसको बोलते हैं शंखासन, उदराकर्षासन भी है इसका नाम, उकड़ू बैठ जाते हैं। अब देखो इंडियन टॉयलेट ऐसी होती है, ऐसे बैठने से पेट साफ होता है। अब आजकल तो जो कमबोर्ड है उसमें तो आदमी का पेट ऐसे ही आधा तो साफ नहीं होता है। अब हमारे भारतीय तौर तरीके जो खाने पीने जीने के हैं, दिनचर्या जो हमारी है, दाया घुटना बाएं पंजे के पास, ऊपर वाला नीचे की ओर, ये देखो इस तरह से योग हम करें, ऐसे और ऐसे। ये आसन देखकर स्वामी जी ऐसा लग रहा है वो जो हम टूथपेस्ट में लास्ट में पेस्ट निकालने के लिए जैसे निचोड़ते हैं ना उसको,
वैसे ही पेट पूरा निचोड़ दो, जो अंदर है सब निकल आएगा।